दोस्तों, मैं रईस अहमद सैफी। साल 2022 गुजर चुका है। सन 2023 की शुरुआत हुई और शुरुआत में ही कुछ दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आई। पहला केस हुआ जो कि दिल्ली के रुंजावाला इलाके में हुआ, आप सभी को पता है। उसके बाद नोएडा में भी एक उसी तरह का केस हुआ कि एक युवक को कार ने टक्कर मारी और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक उसको घसीटता हुआ ले गया। और ये खबर वेबसाइट यूपी तक ने अपने आर्टिकल में छापी है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं दरअसल मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी इलाके के रहने वाले हैं कौशल यादव, जो कि नोएडा में एक फूड कंपनी में काम करते हैं। नए साल वाले दिन देर रात करीब 1 बजे वो कोई फूड डिलीवरी देने कहीं जा रहे होंगे। नोएडा के सेक्टर 14 के फ्लाईओवर पर थे। वहीं पर किसी अज्ञात कार चालक ने उनको टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद करीब 1 किलोमीटर तक उनको घसीटता हुआ ले गया, ऐसा परिजनों का आरोप है। फिलहाल कौशल यादव की मौके वारदात पर मौत हो चुकी है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस केस की छानबीन चल रही है। आज की हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर।